बढ़ते हैं, एक और वॉइस मैसेज की जानिब देखते हैं कि अगला कौन है हमारे। ये तो नया ही, कोई है पहले नहीं है इनका। डॉक्टर साहब प्लीज जवाब जरूर दें, मेहरबानी शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जवाब मैं पहले चंद से बात सवाल कर रहा किया नहीं हूँ तो जा। अब्दुल्ला। हाँ मेरा सवाल ये है कि मैंने एक गाय ली थी जो कि गबन थी, जब मैं उसको घर लेकर आया तो उसका टाइम पूरा हो चुका था, 2-3 दिन बाद उसने बच्चा दे दिया। बच्चा दे देना था, डिलीवर कर देना था। लेकिन मसला ये बना, किसी वजह से उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया। तो उस बच्चे को ओहो निकाला गया, निकालने के बाद उसने बिल्कुल अपनी सफाई भी उसकी कर दी गई, जहर भी उसने फेंक दी। तो उसके बाद वो टीके पे दूध देने लगी, 5-6 किलो दूध वो टीके पे देती थी रोज। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमने उसको टीका लगाना छोड़ा था, फिर टीके से डरती थी इसलिए हमने टीका लगाना बंद कर दिया उसको। तो वही है कि उसने दूध देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब 2-3 हफ्ते हो गए हैं वो बिल्कुल ही दूध नहीं दे रही, खाती पीती ठीक है, वैसे भी ठीक है, लेकिन वो दूध नहीं दे रही। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप बताएं कि इसका क्या इलाज है और इसको क्या मसला है, इसका कोई अच्छा से अच्छा इलाज बताएं ताकि हम इसका इलाज करें और ये दूध दे। बिल्कुल ही दूध नहीं दे रही, थोड़ा बहुत 1 गिलास आधा गिलास दे देती है जब निकाले, नहीं तो ज़्यादा नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ चंद से। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक गाय ली थी, गबन गाय मैंने खरीदी थी, ये तो तो बता जब दिए मैं ना उसको आपने, अपने और भी है अपने इसमें। लेकिन खाती तो सही है, खाती पीती भी सही है, चलें लेकिन जी, दूध अब बिल्कुल ही नहीं दे रही। वो यही पूछना था कि क्या मसला है, तो इसका इलाज भी बता दें ताकि हम उसका इलाज कर सकें बर वक्त और वो ठीक हो जाए और दूध दे अपना। अब्दुल्ला जी पहले ही सब स्टार्ट ही बिस्मिल्लाह ही आपने इससे किया कि जी जवाब जरूर दें। मैंने समझा पहले सवाल इन्होंने कुछ किया हुआ है जो मैंने जवाब नहीं दिया, तो सवाल तो बाद में शुरू हुआ है आपका। और आपने जो बताया है, मैं बहुत अफसोस हुआ है, दुख हुआ है कि उसके पेट में बच्चा मर गया और उसको निकला। शुक्र है कि उसका सफाई करवा दी आपने, सारा कुछ कर दिया। क्या उसने उसकी बाद में मैला वगैरह फेंकती हैं, उसके लिए भी कुछ चीज़ें दी हैं आपने कि ये नहीं? अगर नहीं दी तो वो अभी से देने दें, 5-6 दिन। 100 ग्राम ले लें सफ़ेद ज़ीरा, 100 ग्राम अलसी और 250 ग्राम यानी 1 पाव ये गुलाब के फूल की पत्तियाँ और 1 छटाक मीठा सोडा। ये 1 दिन की खुराक है, ये 6 दिन देते रहें, इसको 5-6 दिन दें। बाकी ये दूध कम दे रही है तो उसके लिए अलग से मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दे रहा हूँ। 2 लीटर दूध ले लेना गाय का, किसी से ले लें, और 2 लीटर दूध के अंदर 1 आधा पाव यानी 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा खुले बर्तन में भिगो दिया करें रात को, और सुबह उठ के उसमें 1 पाव शक्कर डाल के उसको रिड़क के वो इसको पिला दें। ये को 6-7 दिन पिलाएं, दूध इंशाल्लाह ताला करेगी। और साथ ही इसको DCP पाउडर या कोमी कैल्सी वेट वो 100 ग्राम वो रोज़ाना वनडे में डाल के दें, ठीक है मेरी जान? या और वंडा इसको भिगो के नहीं देना, अभी खुश्क देना है। और इंशाल्लाह ताला दूध, अच्छा टीका नहीं लगाना दूध वाला, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि उसने आपने वो डरती है। अगर ना डरे तो मैं आपको डराता हूँ। ये जो दूध पिएगा उसकी, अगर औरतें पिएंगी, लड़कियां पिएंगी, तो लड़कियां, अगर बच्चियां पिएंगी लड़कियां, उनके मुंह पे बाल आ जाएंगे, जिस तरह आपकी दाढ़ी में मुझे नज़र आ रही है दाढ़ी, इस तरह उनकी भी दाढ़ी हो जाएगी। इसलिए टीका नहीं लगाना ऑक्सीटासन का। दूसरे नंबर पे जो औरतें पिएंगी उनको असकाते हमल है, हमल उनके गिरने का खतरा है। और जिस जानवर को टीका लगता रहे फिर वो आगे वो उसका पूरा बच्चा 9 महीने के अब सही पैदा ही नहीं होता, वो पहले से गिरा देती हैं, फल गिरा देती हैं, उनमें भी अबॉर्शन हो जाती है। इसलिए ये चुआई वाला टीका या ऑक्सीटोसन नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। और दूसरा मेरी जान,
आप इस तरह है कि आपके लिए थोड़ा सा इम्तहान है, कोई मसला नहीं, इसके नीचे बैठें और काफ़ी देर तक, जितनी देर तक बैठना पड़े बैठें, और आराम आराम से इसको, इसका हाथ से सहलाएं, और एक ही हाथ होना चाहिए दूध निकालने वाले का, दूध धोने वाले का मिलकर एक होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग हर दफ़ा अलहदा बैठ जाए नीचे, एक ही उसके हाथों पे वो पड़ जाएगी इंशाल्लाह ताला, दूध उतारना शुरू कर देगी। और बहुत सारी गाय ऐसी होती हैं जो औरतों के से ज़्यादा आसानी से दूध उतार लेती हैं, वो भी देख लें, अगर हमारी बेटी कोई बहन या कोई है बहू, वो उनको कहें कि प्लीज़ आप बैठ के इसका आप सहलाएं और दूध उतारें, और दूध उतार के इंशाल्लाह ताला वो दूध उतार लेगी और दूध देगी ये। लेकिन आपने ये चीज़ें देनी है इसको, ख़ास तौर पे सफ़ेद ज़ीरा दूध में भिगो के रात को दे देना, भिगो देना है सुबह उठ के, ये शक्कर डाल के वो देना है। और दूसरा मैंने कौमी कैल्सी वेट या DCB पाउडर 100 ग्राम, वो रोज़ाना आपने वो भी देना है। दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मसला आपका हल कर दे। पूरे जंग को सलाम फी माल्ला।